आज की वीडियो है कि क्रिकेट 22 को ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं या मैच कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोऑप मैच कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ऑनलाइन पे आ जाएं, यहाँ आपका एक तो होगा क्विक मैच, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं, सबसे पहले स्टार्ट बटन के अपोजिट यहाँ पे इस बटन को कहते हैं बैक बटन, इस पे प्रेस करेंगे तो सेटिंग्स आ जाएंगी। ये हिडन बटन है, किसी को आमतौर पर पता नहीं होता। इसमें नीचे नीचे आ जाएं तो क्रॉस प्ले एनेबल करने का ऑप्शन आप देखें टिक हुआ खड़ा है। ये बाज़ूकात अनटिक होता है तो आप किसी दूसरे से नहीं खेल पाएंगे, सिर्फ आपके वर्जन के लोग आएंगे। सो एनेबल कर लें तो आप PS5, 4, एक्सबॉक्स, कंप्यूटर, स्टीम सब के साथ खेल पाएंगे। सो इसको टिक रखना है। दूसरा ये कि जब आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर प्रेस करें, क्विक मैच पे जाके आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं। ये घूम रहा है, इस दौरान में कोई भी आपको ज्वाइन कर सकता है। जब वो ज्वाइन कर लेगा आपने ए प्रेस करना है और मैच एंटर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये बिग 11 ऑनलाइन लीग है, इसमें भी आप जा सकते हैं और मैच खेल सकते हैं। क्रिएट करना होता है तो इसके लिए टीम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसके अलावा आप कस्टम मैच में आ जाएं, कस्टम मैच में देखें तो रिफ्रेश करें। अगर आप स्ट्रीम पे यूज़ करते हैं तो तमाम आपके जो दोस्त हैं वो खेल रहे होंगे। ये देखें मेरे पास जितने भी दोस्त हैं वो खेल रहे हैं और उन सब का मुझे शो हो रहा है कि वो एक्सबॉक्स पे PS5 वगैरह पे खेल रहे हैं। ये देखें ये इन्होंने मैचेस लगाए हुए हैं, तो मैं इनमें से किसी एक मैच को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें मैंने सिलेक्ट किया है और ए प्रेस किया है तो ये घूमना शुरू हो गया है। अब मैं मैच में किसी भी लम्हे जा सकता हूँ। कस्टम मैच में आके एक्स प्रेस करेंगे, ठीक है, एक्स प्रेस करके क्रिएट मैच आप शुरू कर सकते हैं। इसमें 5 ओवर्स, ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है कि कैसे कैसे आप मैच क्रिएट कर रहे हो। एडवांस में आ जाएंगे तो यहाँ पे स्किल्स के हवाले से है और सबसे अहम डिसेबल टाइमर्स, इसको आपने यस कर देना है, ये आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे वर्सेस AI, तो अगर कोप खेलना चाहते हैं वर्सेस AI ऑप्शन को यस कर देना है। देन आप दो बंदे, यानी जो ऑनलाइन दूसरा बंदा है और आप दोनों एक साथ एक ही टीम में होंगे और जो कंप्यूटर है वो दूसरी टीम में आ जाएगा। टीम चुनने का ऑप्शन आपको मैच के एंटर होने के बाद मिलेगा। बटन पे प्रेस करना है और क्रिएट मैच, ये हमारा मैच क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। अब हम देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्टॉप होस्टिंग, एक्स बटन पे है, अगर आप स्टॉप करना चाहें, अदरवाइज आप इसी तरह। और इनवाइट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट बटन पे प्रेस करें। ये देखें हमारे जो स्टीम के प्लेयर्स हैं वो दिख रहे हैं और उनको मैं इनवाइट कर सकता हूँ। ये एक है कपाचा, इनको मैंने इन्वाइट किया है, उनको पॉपअप मिलेगा, वो क्लिक करेंगे तो मैच के अंदर आ जाएंगे।